वेलकम टू द ड्रीम यूनिवर्सिटी वंस अगेन, और ये हमारी वॉकअप की सीरीज चल रही है, राइट? तो डिस्कस करते हैं, चलिए आज के वर्ड्स क्या क्या हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ड्रीम यूनिवर्सिटी, मैं बता देता हूँ, ठीक है? ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल जो है हमारा ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको सब्सक्राइब करना है। ड्रीम यूनिवर्सिटी यूट्यूब पर आपको, जहाँ जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वो सब्सक्राइब करना है, और उसके वीडियो के डिस्क्लेमर बॉक्स जो है, डिस्क्लेमर में जाइए आप, वहाँ जाके हमारे चैनल का लिंक आपको गिवन होगा, ठीक है? चैनल लिंक आपको गिवन होगा, आपको वो ज्वाइन करना है, ठीक है? ताकि आप जो भी अपडेशन है वो आप सब देख सकें, राइट? तो चलिए फिर चलते हैं आज का वर्ड है डिफाई। फर्स्ट वर्ड इज योर डिफाई। डिफाइल का मतलब होता है किसी चीज़ को दूषित करना। डिफाइल का मतलब होता है किसी चीज़ को दूषित करना, राइट? सो एक बार देख लेते हैं, इसके साइनो देख लेते हैं एक बार। साइनो कहता है डीबेस, ठीक है? डीबेस और डर्टी जो होता है, मतलब किसी चीज को दूषित करना होता है, और उसका एंटोनियम होता है, मतलब दूषित करने के अलावा क्या, उसका अपोजिट क्या होगा, उसको अच्छा करना, उसको अपग्रेड करना, उसकी एस्टीम बनाए रखना, ठीक है? तो आप इस वर्ड को याद कैसे करेंगे? इस वर्ड की ट्रिक है जी, देखिए डिफाइल, देश की फाइल जो है ना, डिफाइल इस तरीके से लिखा जाता है, डिफाइल जो देश की फाइल है, वो पॉलिटिशियन जो है ना हमारे, उन्होंने उस पर कब्जा करके उन्हें दूषित कर दिया, देश की फाइल जो है ना उनको दूषित कर दिया, ठीक है? सो अब हम दूसरा वर्ड करेंगे स्टार्ट। अब हम दूसरा वर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, अब ये वाला वर्ड सबको पता होगा, अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज का त्याग करना, राइट? द मीनिंग ऑफ द अबेंडन इज टू लीव समथिंग, त्याग देना, किसी चीज का त्याग करना, ठीक है? सो इसके एक बार साइनो देख लेते हैं। साइनो है इसका लीव करना, रिनाउंस करना, ठीक है? एंटोनियम है इसका रिस्टेन करना और एब्सिस्टेंट करना, ठीक है? रिस्टेन करना अपने पास रखना, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, और अपने पास जो रहते हैं, रिस्टेन बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एसे, ठीक है? वो एसे अलग होता है, एसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है? सो इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना। द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज मूल्यांकन करना, मतलब क्या होता है कि एग्जामिनेशन करना, ठीक है? तो साइनों में इसके आप देख सकते हैं, एग्जामिनेशन होगा और इवेल्युएशन होगा, ठीक है? और इसके जो एंटोनियम्स होंगे वो होंगे इग्नोरेंस करना और नेग्लेक्ट करना। अब या तो किसी चीज़ को तुम एग्जामिन करोगे, किसी चीज़ को फॉलो करोगे, या फिर उसका अपोजिट होगा कि किसी चीज़ को तुम नेग्लेक्ट करोगे, ठीक है? तो इसकी ट्रिक क्या है इस वर्ड को याद करने की, देख लेते हैं एक बार। इसकी ट्रिक यह है कि ऐसे, ठीक है? इट्स ऐसे, ठीक है? ऐसे को आप क्या करा सकते हो, ऐसे को आप क्या करा सकते हो, एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन करा सकते हो, अपने एसे का जो भी आपने लिखा है उसका इवेल्युएशन करा लीजिए या उसका एग्जामिनेशन करा लीजिए, ठीक है? इस तरीके से आप इस वर्ड को रिमेम्बर कर सकते हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट वर्ड के पास चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड इज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक होना, कोई भी चीज़ नुकसान जो भी आपको पहुँचाती है वो होना, तो उसको बोलते हैं डेट्रीमेंटल, ठीक है? तो इसके एक बार साइनो देख लेते हैं। साइनो भी इसके यही है, ऑब्नॉक्सियस और बेलफुल, ठीक है? और इसके एंटोनियम है फेवरेबल, मतलब कोई चीज़ अगर तुम्हें हानि पहुंचा रही है, कोई चीज़ तुम्हें लॉस दे रही है, तो कोई उसका फायदा भी देगी, तो प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा। अब इस वर्ड को याद कैसे करना है, डेट्रीमेंटल, ठीक है? हाउ यू रिमेंबर दिस वर्ड डेट्रीमेंटल। तो डेट्रीमेंटल की जो ट्रिक है वो यही है कि डेट्रीमेंटल, आपने डेट्री लिखा फिर मेंटल लिखा, ठीक है? डेट्री को आप कैसे याद कर सकते हैं, डॉक्टरी, ठीक है? डॉक्टरी मेंटल, मतलब डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में कराना बहुत ही ज्यादा हानिकारक, ठीक है? डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में कराना बहुत ही ज्यादा हानिकारक। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट वर्ड इज नेक्रोमेंसी, ठीक है? नेक्रोमेंसी का मतलब होता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्रोमेंसी, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? स्टार बना दिया मैंने इस वर्ड। नेक्रोमेंसी का मतलब होता है जादू टोना करना। आप देखते होगे कि इस पे जादू कर दिया, उस पे टोना कर दिया, तो जादू टोना जो होता है उसको वर्ड होता है नेक्रोमेंसी। इसके साइनों आप देख लीजिए,
इसके साइन होंगे मैजिक करना और ब्लैक मैजिक करना, और इसके एंटोनियम्स जो होंगे वो होंगे रियलिटी और वेरिटी, ठीक है, कुछ मतलब कुछ भी जादू टोना वगैरह नहीं करना, ठीक है, जो रियल है उसको रियल रहना। तो नेक्रोमेंसी आप इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, नेक्रोमेंसी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मैं एक बार और हाईलाइट कर देता हूँ नेक्रोमेंसी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज लेविश। लेविश का मतलब होता है जो पर्सन बहुत ज्यादा खर्च करता है, ठीक है, जो खर्चीला होता है, खर्चीला, खर्चीला इंसान कहते हैं ना, बड़े बड़े खर्चीले हो, स्प्लेंडेड पर्सन हो, स्प्लेंडेड पर्सन हो, बड़े खर्चीले पर्सन, ठीक है। सो खर्चीला जो बहुत खर्च करता है, जो बहुत खर्च करता है, ठीक है, ये होता है। तो एक बार चलिए इसका साइनो देख लेते हैं। वेस्टफुल मतलब भाई जो खर्चीला होता है वो खमे का वेस्ट ही तो कर रहा है वैसे को, ठीक है, तो उसका वेस्टफुल भी हो सकता है साइनो, और लग्जीरियस भी हो सकता है, जो खर्च करता है वो क्या करता है, महंगी सी महंगी चीजें खरीदता है, तो लग्जीरियस होता है। और इसका एंटोनियम होता है इकोनॉमिकल, मतलब कि हाँ इकोनॉमिकल होता है फायदे, मतलब कि सस्ती चीजों में काम कराना, मतलब कम चीजों कम पैसे में काम चलाना होता है, स्क्रीन होता है, ठीक है, कंजूस। सो अब आप इसको किस तरीके से रिमेम्बर करेंगे इस वर्ड को, तो इस वर्ड की ट्रिक है लेविश। लेविश मतलब लव और विश, ठीक है, लेविश लव और विश, लव और विश। अगर आपकी लव करने की विश है ना, तो आपको खर्चीला होना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपका, अगर आपको लव करने की विषय, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज इंडिजेंट। ये इंडिजेंट मैंने पहले भी बताया था आपको, इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब होना, पुअर होना, ठीक है, पुअर होना, ठीक है। तो इसके देख लेते हैं साइनो क्या कहते हैं। साइनो है पॉपर और डेस्टिट्यूट, ठीक है, और इसके एंटोनियम है एफ्लुएंट और वेल्थी। चलिए अब इसके ट्रिक देखते हैं, इस वर्ड को आप किस तरीके से रिमेम्बर कर सकते हैं। देखिए इंडिजेंट मतलब इंडिया के जो एजेंट है, इंडिया के जो एजेंट है ना, वो बहुत ज्यादा क्या है, गरीब। इस वर्ड को आप इस तरीके से रिमेम्बर कर सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड इज लार्जेसी, ठीक है। लार्जेसी होता है कि उदारता देना, मतलब जो बहुत ज्यादा दान करता हो, ऐसे पर्सन जो होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा दान करते हो, लाइक सलमान खान, दान करने वाले पर्सन, दान करने वाले, दान करने वाला, ठीक है। जैसे कि हमारे सलमान खान है, बहुत ज़्यादा बीइंग वुमेन वगैरह ये चैरिटी वगैरह चलाते हैं, ठीक है। सो आप देख लीजिए साइनोस का होता है डोनेशन करना, और बेनिफिशियंस पर्सन जो होता है, जो सबके परोपकार के बारे में सोचता है, और मीननेस होता है, कंजूस होता है, मैसरी भी कंजूस होता है, ठीक है। अब इस वर्ड को याद कैसे कर सकते हैं आप लोग, याद देखिए आप इस वर्ड को ऐसे कर सकते हैं कि लार्जेसी का मतलब होता है लार्जेसी, मतलब जो लार्ज ड्रेस पहने, ठीक है, इस वर्ड की ट्रिक है, जो लार्ज ड्रेस पहने, बड़ी बड़ी ड्रेस पहने, वो क्या होता है, लार्जेसी होता है, बहुत दान, बहुत ज्यादा दान करता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट वर्ड जो होगा कैनोरस। तो ठीक है, कैनोरस का मतलब होता है मधुर आवाज, ठीक है, बहुत आसान है ये शब्द याद करना, मधुर आवाज, कैनोरस कहते हैं ना, आपकी आवाज तो बड़ी मधुर है, आपकी बड़ी आवाज तो बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट वॉइस, मधुर आवाज, इस तरीके से। चलिए अब इसका एक बार देख लेते हैं, साइनो देख लेते हैं। देखिए साइनो है मेलिफिलियस और डलसेट, ठीक है, और एंटोनियम जो होंगे इसके क्या होंगे, हार्श, बिटर, बेकार आवाज, ठीक है। चलिए इसको ट्रिक कैसे याद करते हैं, इस कैनोरस को, ठीक है, कैनोरस आपने इसको लिखा गया सी एन ओ आर ओ यू एस, कैनोरस, कानों में रस पड़ते ही आवाज क्या होगी, मधुर होगी। तो इसकी ट्रिक है कानों में रस, कानों में रस पड़ते ही आपकी आवाज क्या होगी, मधुर होगी, तो कैनोरस होता है मधुर, ठीक है, आपको ये वर्ड याद हो गया होगा, ठीक है। नाउ योर लास्ट वर्ड इज मेम। मैम, मेम का क्या मतलब होता है, मेम, 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 मेम का मतलब होता है अपंग, डिसेबल, अपंग, डिसेबल, डिसेबल कोई पर्सन, किसी को कोई चोट है वो होता है मैम, अपंग होना, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं साइनो देखते हैं। साइनो कहता है कि इनकैपेसिटेट और डैमेज, मतलब इनकैपेसिटेट है मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं है पूरी काम करने को, कहीं ना कहीं से उसके बॉडी या कुछ भी वो डैमेज है, ठीक है। तो एंटोनियम क्या कहता है, एंटोनियम कहता है हील, अब वो ठीक हो गया पहले से, बढ़िया है, डेकोरेट है, साफ सुथरा, बढ़िया है, तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इस वर्ड की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ट्रिक क्या है इस वर्ड की,
ट्रिक है इस वर्ड की, मेम का मतलब होता है कि ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक क्या है? मेम मतलब मैम, मैम ने आपको इतना मारा कि आप क्या हो गए? अपंग हो गए। आप क्या हो गए? अपंग हो गए। मैम ने आपको इतना मारा, आप क्या हो गए? अपंग हो गए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है? आपका आई होप आपको ये सारे वर्ड कवर हो गए होंगे, और आपको हमारा प्लीज 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 आप हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा चैनल जो है यूट्यूब पर, आप तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है? सब्सक्राइब करिए, और आपके एग्जाम तक हम बहुत कुछ कवर कर चुके होंगे वॉकैब में, बहुत कुछ, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।